हेलो फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी है फजर की नमाज का टाइम। हम सब ने नमाज पढ़ ली है। तो मैंने आपको इससे पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने जाना है हमारे गांव, तो अभी उसके लिए सारे तैयारी कर रहे हैं मिलके, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी निकलना है। तो फिर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि तैयारियाँ क्या हो रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा तुम क्या कर रही हो? जवाब तैयार हो रहे हैं जो हम लोगों ने कल रात के सब्जी काट रही है। चाइनीज के लिए सब्जी काट रही है, लेकिन असल में तो तबाही ही मचा रही है। तो ये देखिए जी, हमारे सीख कबाब तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजे के सीख कबाब तैयार हो चुके हैं, बस हम इनको फ्राई करेंगे और कल खाएंगे। यहाँ पर मम्मा और बेला चाइनीज बनाने के लिए सब्जी काट रही हैं, यानी हमें कल दिन को लंच में चाइनीज खाने को मिलेगा। चाइनीज राइस तो हम सबको बहुत पसंद है, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर सब्जियाँ काटी जा रही हैं और थोड़ी देर में बाबा भी मम्मा को ज्वाइन करेंगे ताकि मम्मा की हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम सारे तैयार हो चुके हैं, नाश्ता भी कर लिया है, लेकिन हमारे घर में लाइट चली गई है, तो अभी इसलिए मैं बाहर आके व्लॉग कर रहा हूँ। और ये गाड़ी है, और गाड़ी में नाविया है। नाविया, हेलो। तो ये नाविया गाड़ी में, और अभी हम लोगों की सारी पैकिंग वैकिंग भी हो चुकी है, और अभी 11 बजे और हम लोगों ने बिल्कुल इसी टाइम पर निकलना है, लेकिन शायद हम लोग कोई 10-20 मिनट लेट हम लोग निकल जाए। हमारी फूफो को मंगाला सुपर तक वो आएंगी, उनसे आगे उनको रास्ता नहीं पता, तो उधर मैं और मेरे बाबा जाएंगे और उनको उधर से हम लोग लेके आएंगे। चार पाई बना लो, सको कल परसों आ जाओ। चार पाई बना लो, कह देना फिर आज। उसका हो चुका है, अब तो बस निकलने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गांव आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये है हमारा सारा घर, ये नापिया बेला, ये इधर दरख, ये बाबा, ये पेंटिंग्स। ये हमारा रूम, ये किचन, और ये हमारा रूम। फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपनी गाड़ी की डिक्की से सारी चीजें निकाल के पहले तो सारी जगह भी रखेंगे। तो कुछ दे रही हूँ ना बेटी जी, ये ले चलो। हाँ, ये किधर रखूँ? फ्रेंड्स, अभी मैं अपने दोनों कंबल निकाल रहा हूँ। बस बस, वो ले जाओ, वो ले जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये निकालूँ ना। हाँ, ये दोनों एक ही कमरे में रख दो। ये किसका है? हाँ, रख दो। ये हमारे ब्लास्ट ऑफर जाएगा, हम ये निकालें, माँ भी निकाल। ये दूध सभी हमारी फूफो की कॉल आ गई है कि वो मंके आला सुबह के पास पहुंच चुकी है और उनको उसके आगे का सही एड्रेस नहीं पता, तो इससे अभी हम उनको पिक करने जा रहे हैं। हम लोग उनको लेने जा ही रहे थे, वो खुद ये गाड़ी आ रही है।
अभी वो लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपने सारे कजिन्स का नाम इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये पहले अयान भाई, और ये शांजे, और आज ईशान, और ये शक्ल नहीं दिखाने वाली, छोड़ो, और ये ईशान, चल हेलो कर दो, हेलो, और ये वेला, और वो नाविया, हेलो कर दो, हेलो कर दो भाभी। अभी मैं बबल्स आए और सबको दे रहा हूँ। शान भाई, शान तुम्हें मिल गई? तो ये मेरी है ना? शान भाई देखना कौन सा, ओए फ्रेंड्स अभी मेरा ये वाला निकला है जो मैं पहले भी निकला था। ओह माय गॉड, आई एम मेरा इतना तो फ्रेंड्स अब लंच की तैयारी हो रही है। ये सीख कबाब तो ये पड़े हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं खाएंगे। मम्मा अभी चाइनीज राइस बना रही हैं, क्योंकि ये हम लोग रात को खाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी बाबा को दादा ने कहा है कि कमरे में हीटर लगाओ, तो अभी बाबा वो लगा रहे हैं। तो यहाँ बाबा हीटर का कनेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत ही ठंड हुई हुई है। दादा का हीटर इधर इसलिए लगाना है क्योंकि इधर बहुत ही ज्यादा ठंड हुई हुई है। इधर तो मरी से भी ज्यादा ठंड हुई हुई है। दादा कह रहे हैं पौधा उठा के यहाँ से दूसरे कोने पे रख दो। तो यहाँ पर बाबा अपने कमरे में हीटर लगाने लगे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लगाने के लिए भी लाए थे, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आके पता चला कि इधर तो मरी से भी ज़्यादा ठंड है, इसलिए बंदे को पहले पूरा बंदोबस्त कर लेना चाहिए। टोपियाँ, मफलर, जैकेट, स्वेटर सब कुछ साथ लेके आना चाहिए। तो यहाँ पाइप बस हीटर कनेक्शन के साथ लगने वाला है, फिर इंशाल्लाह हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारा हीटर भी ऑन हो गया। बैलून्स इब्राहिम, पानी नहीं भरना बेटे, पानी देखिए इसको, बंद कर दरवाजा, बंद कर देती है ना दरवाजा गर्म होता रहे बाबू बाबू छोटे बेबी आई छोटे जी मेरा बेटा। फ्रेंड्स हम जब भी आते हैं तो बेड शीट का कवर चेंज कर देते हैं, तो अभी ये मम्मा नई बेड शीट लगा रही हैं। ये बेड शीट बिल्कुल कंबल की तरह सॉफ्ट है, इस पे सोने का तो और मजा आता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बैलून में पानी भरा है और मैं सारों के ऊपर पानी फेंक रहा हूँ। ये वाली गेम खेलने का तो हमें बहुत मजा आता है, हम सारे पानी भर के ऊपर फेंकते हैं, और इसमें और वो भी ठंड में। रैकेट खेलने वाले हैं ये ईमान, ये अयान और मैं। क्या क्यों उतारते बेटे? बाबा ये देखिए हमने लंच के लिए सारी सेटिंग अपने लॉन में कर ली है। इधर हम लोगों ने टेबल और कुर्सियां लगा दी है, अभी सारे इधर बैठेंगे तो मतलब इधर बहुत मजा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मम्मा चाइनीज चावल लेके आ चुकी हैं, वो सब कुछ चाइनीज चावल सर्व करी हैं, तो अभी हम लोग सारे ये खाएंगे। वो तो भेज देंगे। सर्दी में चाइनीज चावल खाने का और लॉन में बैठ के खाने का, लेकिन हम उसे ब्राइड तैयार करने वाली बनेंगे।
अच्छा इब्राहिम क्यों घबरा रहे हो यार? अच्छा चलो बैठो, खाना खा रहे हैं, खाना टाइम बैठो खाना खाएं। खाना अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, बहुत मजा आने लगा है और ये मुझे तंग कर रहा है। तुम बातें नहीं करते, नहीं चावल बनाए अभी वो खा। तो फ्रेंड्स अभी हम सब खाना खा चुके हैं और अभी होने वाली है किन्नु पार्टी। लंच करने के बाद दादा ने कहा था कि सारों के लिए ऑरेंजेस लेके आओ, तो भी मेरा घर गया सारों के लिए ऑरेंजेस लेके आया। फ्रेंड्स अभी हम लोग लूडो खेल रहे हैं, वो दिखा क्या बस पहला कर ली मम्मा, देख पहला के सामने दोनों जोड़े खड़े हैं। मैं तो अपना तभी लाऊंगा जब मेरी ये वापस कर सका। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने लूडो खेली और मेरी सेकंड पोजीशन आई है और इसकी थर्ड आई है और हम दोनों एक ही टीम में थे इसलिए हम दोनों की सेकंड आई है और बेला की आई है थर्ड, इसलिए अभी वो चिकन डांस करने जा रही है। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब की अजानें हो रही हैं, इसलिए अभी हम लोग वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, फिर रात के डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने मगरिबी नमाज पढ़ ली है और अभी हम लोग अपने छोटे दादा के पास आए हैं, वो हम लोगों को कहानी सुना रहे हैं। बहुत ही खौफनाक कहानी है, हमें बहुत डर भी लग रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है। चुप करो। वो गुलतोरो तुम फूल तोड़ के लाओगे, उस फूल के अंदर उस देव की जान है, वो जब उसके सामने जाओगे तो उसका एक 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 जो जो उसका पत्ता इस तरह से करोगे ना तो वो उसकी जान बताओगे। सारे एक साथ ना कर दे, तीन चार पांच छह की तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो बहुत जोर की बात है, हम सारे मुद्दे में बेला और फिर जब वो चुप हुई तो उसके थोड़ी देर बाद ही दादा ने भी बेला डाका डाल दिया। उनको भी लूडो सही तरह से खेलनी आती है, पागल से रोते हैं, चीटिंग ज्यादा करते हैं। हम लोगों की जरा सी नजर इधर उधर तो उनकी तो बहुत ही पुक जाती है घर से। विलेज टूर व्लॉग का ये पार्ट वन था। आप ये ना समझे कि ये व्लॉग अब ख़त्म हो चुका है, ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, ये था पार्ट वन। तो आपको कल मिलेगा पार्ट टू, तो मिलते हैं आपसे पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय।